आइए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज भाग 7 देखते हैं। इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित होता है। अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश या डिमेंशिया रोग का एक विशेष प्रकार है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के मस्तिष्क के स्नायुओं के क्षरण से स्मृति एवं अन्य महत्वपूर्ण मानसिक कार्यों की क्षमता नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस रोग को क्या कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है? तो इस रोग को हम वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता में व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त कैंसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया नाम से भी जानते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर होता है जो कि रक्त और अस्थमज्जा बोन मैरो जहाँ रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है उन्हें प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अस्पताल में किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो इसका उत्तर है कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है जहाँ पर दिल की धमनियाँ एवं उसके बीस चैम्बर के कार्य प्रणाली एवं सक्रियता का परीक्षण विभिन्न उपकरणों की सहायता से किया जाता है। बुखार को कम करने वाली दवा को क्या कहते हैं? बुखार या ज्वर को कम करने वाली दवा को एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। एंटीपायरेटिक्स के कुछ उदाहरण हैं फेनेसिटिन, एंटीपायरिन, एमिनोपायरिन आदि। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? इसका आंसर है आलू। आलू रोग आलू में अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक के द्वारा ये अगेती झुलसा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गेहूं में लगभग कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो गेहूं में 12% प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लेग के उपचार में किस दवा का प्रयोग करते हैं? तो प्लेग के उपचार में स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है? तो रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन एक प्रकार का प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक है। इसकी खोज वर्ष 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? ये शोषण की जगह शब्द है श्वसन, श्वसन। कीट जो है ट्रेकिया प्रणाली द्वारा श्वसन करते हैं। अधिकांश कीट इसी विधि द्वारा इंसेक्टा समस्त कीटों को इंसेक्टा या कीट वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो ये जलीय स्थलीय वायवी होते हैं और ये मुख्य रूप से ट्रैकी शाखान्वित ट्रैकी द्वारा शोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, शहद का मुख्य घटक क्या होता है? शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज होता है।
शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज नामक शर्करा होती है। इसकी मात्रा लगभग 38.2% होती है। इसके अलावा शहद में ग्लूकोज, माल्टोज, अन्य शर्कराएँ भी तथा पाई जाती हैं, तथा जल भी 17% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? केसर एक मसाला है जो पौधे की वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, और पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है क्रोकस सैटिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, मशरूम क्या होता है? मशरूम जिसे सब्जी के रूप में लोग खाते हैं, ये मृतोपजीवी कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, औद्योगिक अविशालता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ है? तो ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑक्सीनोमीटर का क्या उपयोग है? तो ऑक्सीनोमीटर वृद्धि दर नापने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक जी बैटिंग और जॉन मैक्लॉयड ने की थी। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक जी बैटिंग और जॉन मैक्लॉयड ने संयुक्त रूप से की थी। इसके लिए इन्हें 1923 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इंसुलिन अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, और जो शरीर में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता रहता है। लेकिन जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना मुश्किल हो जाता है, और यूरिन के साथ शर्करा बाहर आने लगती है जिससे मधुमेह रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19, फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है? ये ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। इसे महिला नसबंदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वयस्क बिल्ली में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क बिल्ली में कुल 30 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, मकड़ी में श्वसन अंग क्या होते हैं? तो इसका आंसर है वुक लंग्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्पंज गुहा किस जंतु संघ का लक्षण है? तो ये पॉरीफेरा संघ के जंतुओं का लक्षण होता है। स्पंज गुहा पॉरीफेरा संघ के जंतुओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, प्याज के छिलके हटाते समय आंसू क्यों निकलते हैं? इसका आंसर है सल्फेनिक अम्ल की गंध के कारण। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीटी स्कैन में कौन सी किरणों का उपयोग होता है? इसमें एक्सरे एक्स किरणों का उपयोग होता है। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है। इसके द्वारा मस्तिष्क के आंतरिक अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी दाल का एमएसपी घोषित नहीं होता है? तो मसूर की दाल का एमएसपी घोषित नहीं किया जाता है। एमएसपी की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य उपयोग आयोग कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है,
भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थदंड कृषि का क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो ये कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम क्या है? ये होता है ब्याज का भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। इस तरह से इस श्रृंखला के भाग 8 8 के सभी क्वेश्चन पूर्ण हुए। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।